कभी कभी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स आर्यन के साथ। दोस्तों, आज की यह कहानी नितिन जी ने हमारे साथ शेयर की है। नितिन जी बताते हैं कि यह तकरीबन 30-35 साल पहले की घटना है, जब नितिन जी आर्मी में जम्मू पोस्ट पर थे और उनका घर गया में था। उनके घर में उनके मम्मी पापा और एक छोटा भाई और एक नौकर भी था, जो बहुत सालों से नितिन जी के घर में काम करता था। उस नौकर का नाम रामू काका था। घर के सभी लोग रामू काका को अपने परिवार का सदस्य मानते थे और उन पर बहुत विश्वास करते थे। यह उस दिन की बात है जब नितिन जी घर पर बिना किसी को बताए छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। गाड़ी के स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। अब नितिन जी गाड़ी से उतर चुके थे। एकदम से उनकी नज़र रामू काका पर पड़ती है। नितिन जी कहते हैं, अरे रामू काका, आप यहाँ कैसे? मैंने तो घर पर किसी को बताया ही नहीं कि मैं घर आ रहा हूँ। इस पर रामू काका बोलते हैं, मैं अपनी बेटी को गाड़ी चढ़ाने आया था। यह कहते हुए रामू काका नितिन जी के सामान को सर पर उठाकर अपने साथ घर की ओर जाने लगते हैं। घर जाते जाते नितिन जी आगे आगे चल रहे थे और रामू काका पीछे पीछे। कुछ देर के बाद नितिन जी घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के दरवाजे पर ही रामू काका सामान रख देते हैं। सामान रखते हुए रामू काका के आंखों से आंसू निकल रहे थे। नितिन जी रामू काका से पूछते हैं, काका आप रो क्यों रहे हैं? इस पर रामू काका कहते हैं, तुम्हें बरसों बाद देख रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। अब नितिन जी अपने घर का दरवाज़ा पीटते हैं। दरवाज़ा नितिन जी की माँ खोलती है। नितिन जी की माँ उन्हें कहती है, इतनी रात गए तुम अकेले इतना सामान लेकर कैसे आए? अगर तुमने कहा होता तो मैं तुम्हारे पापा को भेज देती। तब नितिन जी कहते हैं, रामू काका स्टेशन से मेरा सामान लेकर आए। यह सुनकर नितिन जी की माँ बोलती है, यह कैसे हो सकता है? अब तुम्हारे रामू काका इस दुनिया में नहीं रहे, 3 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। यह सुनते ही नितिन जी के हाथ पांव कांपने लगते हैं और नितिन जी बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आर्यन मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।